वेलकम बैक दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। इस टॉपिक में हम इसका पूरा मीनिंग क्लियर करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, क्या क्या कमियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन हम उन चिल्ड्रन को प्रोवाइड करते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं। दे आर द स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन कहने का मीनिंग ये नहीं है कि उनकी स्पेशल कैपेबिलिटी है। उनको स्पेशल इसलिए कहते हैं कि वो दो बाकी बच्चों से अलग है। जैसे उनकी मेंटल लेवल कम होगा, ठीक है, विजुअल डिफेक्ट, मोटर डिसेबिलिटीज, मतलब उनको सुनाई कम देता होगा, जहाँ उनका IQ कम होगा, जहाँ उनको देखने में कमी होगी, जहाँ उसके हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट नहीं अच्छी होगी, बैठने में प्रॉब्लम होती होगी। ये सारी जो नीड्स हैं, जो बच्चे को नॉर्मल, वो नॉर्मल स्कूल में नहीं रह सकता, तो इसलिए इनको एक न्यू पैटर्न दिया गया था इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो ये स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए है और ये डिफर करती है बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? बच्चे स्कूल क्या करते हैं, नॉर्मली जो प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है उनमें बच्चे को एडमिट कर लेते हैं, बट उसमें ये उसको रख लेते हैं बच्चों के साथ, बट उसकी और स्पेशल अटेंशन नहीं देते। मेन स्ट्रीमिंग मतलब उसको स्ट्रीम में लेके आना, उसको स्कूल में एडमिट कर लेना, बाद में उसमें ध्यान ना देना, ये चीज़ें नहीं है। इसमें उसको एडमिट करना है, नॉर्मल बच्चों के साथ रखना है और उनके लिए अलग से एजुकेशनल प्रोग्राम भी ड्राइव करने हैं। तो स्कूल्स ड्यूटी, ये स्कूल की ड्यूटी है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ जो ड्यूटी बन जाती है सोली स्कूल की बन जाती है। तो स्कूल में ऐसी चीज़ें, ऐसे इम्प्लीमेंट्स लेके आना जिससे बच्चे की डिवेलपमेंट हो, तो ये सारा हम इंक्लूसिव एजुकेशन में आज पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इसका मीनिंग क्लियर हो चुका है। आगे हम पढ़ते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का NCF, इसने क्या कहा था? इसमें जो करिकुलम बना था उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल कॉन्टेक्स्ट लिया, कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ एजुकेशन, समाज का एजुकेशन पे क्या इफेक्ट है। समाज में आपको पता है हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट सिस्टम है, तो उसी हिसाब से क्या होता है, बच्चे को पूरी तरह से अपनी कैपेबिलिटी बाहर लाने में प्रॉब्लम आती है। यहाँ अगर कास्ट की बात करें तो यहाँ जनरल, SC, OBC, ST, ये डिमार्केशन बनी हुई है। तो यहाँ जो इनको लेवल दिया गया है, जनरल वाले को ज़्यादा, वो उसके पास ज़्यादा मनी होगी, SC ST को इतनी अवेयरनेस नहीं होगी, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है बच्चे को एक अप्रोप्रिएट लेवल पे जाने के लिए। बाकी इसको अगर सेक्स के बेस पे देखें, सेक्स डिमार्केशन है जो मेल एंड फीमेल उनमें अलग है, तो जो दलित समाज है, SC ST OBC है, इनमें लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, लड़कियों की एजुकेशन नहीं होती, कहते लड़कियों को कम पढ़ाओ, उनकी शादी कर दो, या फीमेल फिटिसाइड, ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ द मनी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मेनली बहुत सारे लेबर का काम करते हैं बेसिकली ये, तो उनको सिर्फ रोटी और रहने के लिए ये इनकी नीड है। तो यहाँ वो मेन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं मेल को, बट उनके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं होते भी उनको वो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करें या उनको प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन दे पाए। तो यहाँ NCF ने जो सारा स्टडी किया था, उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है एजुकेशन हम वर्ल्ड वाइड अप्रोच लेके आए हैं, वर्ल्ड की अवेयरनेस है, पूरे वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन है, हर एक बच्चे को एजुकेशन देना। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ का एक ड्रॉबैक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबलाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन एजुकेशन का भी कमर्शलाइजेशन हो गया, यानी एजुकेशन आजकल एक बिजनेस है,
बिजनेस की अप्रोच से ही स्कूल ज्यादा खोलते हैं, तो उनकी फीस ज्यादा है, फंड गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं करती, तो ग्लोबलाइजेशन से वो बच्चे को इतना अवेयरनेस नहीं हो पाती, सबके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, अच्छी बुक्स नहीं है, अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, जाने के लिए किराया नहीं होता स्कूल से, अच्छी ड्रेस नहीं होती, बैग नहीं होते, बुक्स नहीं होती, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से आई हैं। आगे कमर्शलाइजेशन एजुकेशन का, एक कमर्शलाइजेशन हो गया है, उसी वजह से बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है नॉर्मल बच्चे को पढ़ने में, और इसलिए वो अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको आगे लेके नहीं जा पाता, तो उसका IQ लेवल डाउन रह जाता है ड्यू टू लैक ऑफ द रिसोर्सेस। और यहाँ अगर हम बात करें फंड की, हमने बात कर दी, ग्लोबलाइजेशन की बात कर दी, सेक्स की बात कर दी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉर्मली एक बच्चे को पीछे ले जाती हैं अपने जो बेस्ट है उसको बाहर निकालने में, तो यहाँ उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे, तो इसी डिफरेंसेस से वो क्या होगा, बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता। आगे जो समय आता है RTE एंड SSA की रिपोर्ट। RTE का मीनिंग क्या है, राइट टू एजुकेशन, SSA सर्व शिक्षा अभियान। उन्होंने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान ने पूरे इंडिया को सर्च किया, रूरल एज वेल एज अर्बन, वहाँ बच्चों का डाटा निकाला, लिटरेसी रेट फाइंड आउट किया, तो वहाँ उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है जिससे बच्चों में लिटरेसी रेट कम आ रहा है। तो वहाँ उन्होंने देखा, एक तो वहाँ कास्ट कास्ट का इफेक्ट है, SC ST OBC इनको जो माइनॉरिटीज हैं इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा इनमें एक प्रॉब्लम और आती है, बैकवर्ड माना जाता है इन लोगों को, बैकवर्ड इन द सेंस मानते हैं ये नॉर्मल एजुकेटेड नहीं है, इतने इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतने इनके पास रिसोर्स ही नहीं है, अच्छे घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, और इनको वर्ल्ड की इतनी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ प्रॉब्लम आती है। और सेकेंड, यहाँ उनका सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस, सोशल उसकी सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी में उनका समाज कैसा है, उनको अलग रखा जाता है, दलित लोगों को वो जनरल से अलग रखा जाता है, उनमें गर्ल्स का भी जहाँ क्रिटिसिज्म करते हैं, कल्चर उनका अलग है, आपस में बैठ नहीं सकते, बच्चों को वो कहेंगे भी ये दलित समाज का बच्चा है, ऐसी लोअर कास्ट का है, इसके साथ मत बैठो, रिलीजन का डिफरेंस है, कोई कहता हमारा रिलीजन अच्छा है, कौन कहता हमारा रिलीजन अच्छा है, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है, ये SSA और RTE ने यहाँ स्टडी किया है। उसके बाद उन्होंने एक और यहाँ स्टडी किया था, मेनली डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप का मीनिंग क्या है, बीकर सेक्शन, उन्होंने बीकर सेक्शन का भी स्टडी किया, बीकर सेक्शन जो पेरेंट्स वीक हैं इकोनॉमिकली, उनके पास रिसोर्सिस नहीं है, एनुअल इनकम उनकी कम है, तो उसको उन्होंने स्टडी किया, फिर उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा, एनुअल इनकम जिनकी 1 लाख से कम है या 40,000 से कम है उनको हम फंड देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, फिर बच्चों को उनका मीनिंग क्या है, ईच एंड एवरी बच्चे को एजुकेशन देना, लेबर लेबर कास्ट से उनको लेके आना एजुकेटेड सोसाइटी में, एजुकेटेड सोसाइटी का फाउंडेशन करना, लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना, ये सारा SSA और सर्व शिक्षा अभियान का मोटिव था, और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया था। आगे दोस्तों हम बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ दलित चाइल्ड, ये काफी एक कह सकते हैं ऑब्स्टेकल है इन द लिटरेसी रेट इंक्रीजमेंट, इसके बारे में हम बात करते हैं। आगे आता है एक्सक्लूजन ऑफ द दलित चिल्ड्रन, उनका विरोध किया जाता है, उनका खंडन किया जाता है, जैसे टीचर करता है, उसके पीयर ग्रुप करते हैं, उसका सिस्टम करता है, टीचर क्या करता है, टीचर उसको मौका नहीं देता, उसको पार्टिसिपेशन का चांस नहीं देता, और टीचर को जो पेरेंट्स अट्रैक्ट करते हैं हायर सोसाइटी के, वो कहते हैं इस बच्चे के साथ इसको मत बिठाओ, उसको अलग से बिठाते हैं, उसको बेंच पे नहीं बैठने देंगे, जमीन पे बिठाएंगे, उसकी कॉपी चेक नहीं करेंगे, उसको बार बार क्रिटिसाइज करेंगे, उसको बार बार मारेंगे, ये टीचर की भी यहाँ गलती है।
पीर ग्रुप उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके फ्रेंड को भी उसके पेरेंट्स बताते हैं ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसके साथ मत बैठो, तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं। तो यहाँ वो अपनी जो पैसे की दौड़ जमाता है। सिस्टम यहाँ हमारा सिस्टम इतना गंदा है, उसमें ये अमीर है अमीर होता जाता है, गरीब की ओर को देखता नहीं। तो यहाँ सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोलिटिकल लीडर हंग्री लीडर्स हैं, क्लेवर लीडर है, वो अपना गरीब करते हैं तो बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते। एजुकेशन सिस्टम यहाँ सिर्फ पैसे के लिए बना है, सिर्फ यहाँ बिजनेस होता है, ये सारी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं, एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनका भी खंडन होता है, इनका भी एक्सक्लूजन होता है। बेसिकली ट्राइब के अपने घर नहीं होते, अपनी जमीन जायदाद नहीं होती, तो इसलिए उनका खंडन होता है, उनके पास भी इतने रिसोर्सिस नहीं है, फंड नहीं है, पेरेंट्स उनके गरीब हैं तो बच्चों को अच्छा वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाते, कल्चरल डिफरेंसेस कहते हैं ये बच्चे अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहां आती है। अंडर प्रिविलेज ग्रुप, जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, अंडर प्रिविलेज ग्रुप है जो जिसको क्रिटिसाइज किया है समाज ने, जो समाज में इतनी जिनको मानता नहीं है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। जैसे वो पुअर होंगे, उनका समाज शुरू से पुअर है, उनको गवर्नमेंट उनकी ओर ध्यान नहीं देती, एसटी एससी बच्चों को काफ़ी वो सड़कों पे सोते हैं, भीख मांगते हैं, तो उनका वहाँ खंडन होता है, उनकी ओर भी ध्यान देना। उनका पेरेंट्स कहते हैं लेबर करो, तो लेबर के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, उनमें बीमारियाँ होती हैं, फैमिली जो बेसिकली उनकी स्केवेंजर है, तो कहते हैं आप आपके घर वाले पोछा लगाते हैं, कचरा साफ करते हैं, उनको यहाँ इतनी मान्यता नहीं मिलती, बच्चों का क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये सारे जो कारण हैं ये लिटरेसी रेट कम करने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। आगे मुस्लिम, मुस्लिम जो है उनका भी एक्सक्लूजन है। बेसिकली जो हमारा हिंदू समाज है, इंडिया है, इंडिया में हिंदू का ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो मुस्लिम से कहते हैं ये मुस्लिम धोखा देता है, ये इनके एक सिस्टम अलग है, इनका रिलीजन अलग है, इनका खाना पीना अलग है, इनका शादी का सिस्टम अलग है, रहने का अलग है, वो गाय सॉरी कहना नहीं चाहिए, वो गाय को मारते हैं, ये सारी चीज़ें वो आगे लेके आते हैं, इसलिए वो उनको खंडन करते हैं, मुस्लिम के साथ शादी नहीं करेंगे, मुस्लिम को क्रिटिसाइज करेंगे, इतने चांसेस नहीं मिलेंगे, इसलिए इनका भी एक्सक्लूजन होता है। उनकी एक डिमांड होती है उर्दू को लेके आओ, सेकेंड लैंग्वेज उर्दू, यहाँ लो बाईलिंगुअल सिस्टम, बाईलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेज लेके आओ, दो लैंग्वेज, ऐसे कोई भी एस सी एस टी बच्चा अपनी रिलीजन जो रिलीजियस लैंग्वेज है, कोई पंजाबी होगी, बंगाली, उड़िया, ये लैंग्वेज जो है इतनी ज़्यादा स्कूल में होती नहीं है, टीचर ट्रेंड नहीं होते, तो टीचर बेसिकली क्या करता है अपनी जो लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करता है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये काफ़ी एक ऑब्स्टेकल है, इंग्लिश बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, उन्होंने इंग्लिश को उनके लिए सीखना मुश्किल है, और वो काफ़ी ज़्यादा स्कूल में इंग्लिश बोलते हैं, उनको ध्यान नहीं देते, और गवर्नमेंट जो है टीचर को ट्रेन नहीं करती, टीचर ट्रेनिंग नहीं है इन लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज में उनकी ट्रेनिंग नहीं है, टीचर को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आगे मदरसा एजुकेशन का मीनिंग क्या है, ये बेसिकली मुस्लिम चिल्ड्रन के लिए इक्वली फोर फ्रंट कीपिंग माइंड वाइल एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटजी इंक्लूजन। तो यहाँ इस एजुकेशन को हाई ऑफ नहीं माना जाता, तो यहाँ उनको क्या मुस्लिम फैमिली को और ज़्यादा पढ़ने का चांस, तो उनको जैसे वो बैठ के पढ़ाते हैं, काजी पढ़ाते हैं, वो सिस्टम लेके आओ, तो ये ऐसा सिस्टम इंडिया में है नहीं है। रिकमेंडेशन क्या है इसके लिए, मुस्लिम के लिए क्या रिकमेंडेशन की है हमारे एसटी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, फर्स्ट ऑफ ऑल उर्दू को लेके आओ सेकंड लैंग्वेज, मुस्लिम टीचर होने चाहिए मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, सेंसिटाइजेशन हो टीचर के अंदर भी ये मुस्लिम है ये भी एक इंसान है, रिलीजन का वो ना करे, फेस्टिवल उसके मनाए जाए स्कूल में, मुस्लिम जो फेस्टिवल्स हैं उनको मनाया जाए, जैसे ईद हो गया, रमज़ान हो गया, ये सारे मनाए जाए, उनको वहाँ रिवार्ड मिले, प्रैक्टिसेस हो उनकी,
उनको मौका दिया जाए आगे पार्टिसिपेशन का, तो ये सारी रिकमेंडेशन की गई है। तो ये सारे मैंने जो आपको फैक्टर बताए हैं, ये इलिटरेसी रेट कम होने में रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ क्या किया गया है, रिजर्वेशन की जो स्ट्रेटजी बनाई है प्राइवेट स्कूल में, रिजर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लोअर कास्ट के हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ 25% रिजर्वेशन है उनको मिलेगी अलग से, तो उनको वो एडमिशन मिलना चाहिए। बट यहाँ भी क्या प्रॉब्लम आती है, जो ज़्यादा हाई फाई स्कूल होते हैं उनमें बच्चे को दाखिला तो करवा देते हैं, पर पेरेंट्स के पास इतने फंड नहीं होते तो बच्चे को वो हटा लेते हैं। वहाँ भी गवर्नमेंट ने यहाँ ध्यान देना शुरू किया भाई, यहाँ भी कोई बिजनेस नहीं होगा, पॉलिटिकल कोई यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ कुछ 2009 में एडिशन किया, एक्ट बनाया, पार्टी ई एक्ट बनाया। इस एक्ट में भी काफ़ी उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। यहाँ उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हर एक बच्चे को, इवन स्कूल में प्रिंसिपल को मिला भी, इसको भी पढ़ने का चांस दो, इसको पढ़ने का चांस दो, इनके लिए फंड दो, इनको फीस की वजह से मत चिताओ, इनको बेटर तरीके से बिठाओ। तो ये सारा अप्रोच की गई है, उससे कवरेज भी हुई है, सक्सेस भी मिली है, लिटरेसी रेट भी कम हुआ है। तो ये सारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन का रोल है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन जो है ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, वो बैकवर्ड बच्चा है, वो डेलिक्वेंट चाइल्ड है, मेंटल लेवल कम है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको स्टडी करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, इसके भी प्रोग्राम रखे गए हैं। तो यहाँ सर्वे होना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने कहा है, स्कूल में बच्चा आ रहा है उसकी जो देखो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसी हिसाब से उसको मीडियम प्रोवाइड कराओ। इसके बाद एजुकेशनल प्लेसमेंट का मीनिंग है उनको जो बच्चे हैं उनको इस वजह इतना एजुकेट करो, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दो। तो जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको वोकेशनली डोमिनेट बनाओ कि कुछ ना कुछ जिंदगी में कर सके, तो उसको जो हैंडक्राफ्ट वगैरह किसकी एबिलिटी है वो उसको दो, उसको वहाँ की ट्रेनिंग दो, पेंटिंग हो गया, बैग फॉर्मेशन, ऐसी जो लोकल जो इंडस्ट्री है वो अपनी चला सके, अपना पेट भर सके, तो ये यहाँ पे ऐड किया गया। उसके बाद बैकवर्ड एंड एससी बच्चे जो हैं, बैकवर्ड एससी जो बच्चे हैं ओबीसी एंड एससी, इनमें जो गर्ल्स योर ध्यान गया इक्वल, उनको एजुकेट करो, उनको फंड दो, सेक्स की डिमार्केशन ना करो, उसके लिए स्कॉलरशिप है, फिटिसाइड को रोका गया है, क्राइम बना है, सेक्स आइडेंटिफिकेशन एक क्राइम है, तो ये सारे रेप जो उनके हो रहे हैं तो इन पे काफ़ी यहाँ तोड़ने लगी है। तो ये सारे यहाँ इनको एक और डिमांड है, इनको इनकी बाईलिंगुअल एजुकेशन दो। बाईलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेज में पढ़ाओ उनको, उनकी लोकल लैंग्वेज भी सिखाओ, उनको करिकुलम में लेकर आओ, उसके जो रिलेटेड उनके फेस्टिवल है उनको मनाओ, उनको बेगर क्लास से लेके उनका एजुकेटेड बनाओ कि अपना काम कर सके, उनको भी बेटर अपॉर्चुनिटी देके आए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल का है उसको भी इम्प्रूव करना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में ऐसा हो उसका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड एरिया में नहीं होना चाहिए, लैब हो, बच्चे की प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन प्रैक्टिकल वर्क का हो, उनके वेंटिलेशन खाना पीना ये सारा मैस वगैरह का होना चाहिए। इन एडुकेसी ऑफ द टीचर एंड टीचिंग ट्रांजेक्शन, इन एडुकेटेड टीचर जो हमारे पास है इन एडुकेटली वो पॉइंट होते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको स्पेशली स्पेशल नीड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, तो ये यहाँ पे ट्रेनिंग देनी चाहिए। करिकुलम पैडागोगी एंड इवेलुएशन इम्प्लीकेशन फॉर द एससी एंड एसटी जनरल, यहाँ पे जो पैडागोगी और करिकुलम है उसको भी इस तरीके से बनाना है बच्चे को वो समझ आ सके। लैंग्वेज क्वेश्चन, जो लैंग्वेज एक बड़ा ऑब्स्टेकल है, लैंग्वेज को कास्ट के हिसाब से डिमार्केशन है, तो लैंग्वेज को यहाँ इंट्रोड्यूस करो, इंग्लिश मेन नहीं है वहाँ, उसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी पंजाबी इनको इंट्रोड्यूस करो, उर्दू मुस्लिम के लिए ताकि वो पढ़ सके, इनको समझने में आसानी हो।
तो इसलिए टीचर भी उस लैंग्वेज के लिए ट्रेन करने जरूरी है। स्कूल करिकुलम, स्कूल का जो करिकुलम है वो मॉडिफाइड किया गया, मॉडिफिकेशन की डिमांड रखी गई है। जेंडर इन इनक्वालिटी इन एजुकेशन, जेंडर की इनक्वालिटी है यहाँ, सेक्स की मेल फीमेल में की जाती है कि मेल को ज़्यादा पढ़ाओ फीमेल को मत पढ़ाओ। जहाँ भी फैमिली को एजुकेट किया गया, टीचर को मोटिवेट किया गया, इम्पावरमेंट करो वुमेन की, इम्पावरमेंट, इसलिए वो आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा मेरा टॉपिक था विद इंक्लूसिव एजुकेशन। मुझे उम्मीद आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा अपने आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कोई इसमें वीकनेस लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।